कार्यक्रम को पूर्ण अनुशासन के साथ हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं। सभी से निवेदन, सब लोग यथास्थान बैठ जाए। सामाजिक वांछित पात्र है माननीय अमृतपुर से विधायक श्री सुरेश सागरी की उपस्थिति हम सबके मध्य में हुई, उनका भी हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ आज आपके जनपद फरुखाबाद के नेतृत्व के क्रीड़ा स्थल में माननीय मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा विज्ञान व प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को, जिनका एक लक्ष्य है कि हमारे प्रदेश में 22 जुलाई से 15 अगस्त तक 35 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण होना है। ओम पृथ्वी द्वादृता लोका देवी तुम विष्णुनाद्रता क्रम च धारयमा देवी पवित्रम पुरुषासनम। ओम मयी दौ पृथ्वी चना हम लोगों के लिए लेकर आए। अनुशासन के साथ माननीय मंत्री सुनेंगे मोनिका यादव जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक, माननीय अधिकारी जी लगातार कल से और आज तक प्रयासरत है और निरंतर 15 अगस्त तक प्रयासरत रहेंगे इस लक्ष्य को पूर्ण करने में। मिट्टी दो, मिट्टी लाओ। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल ऐसी बात करनी चाहिए। चलो कोई चल भैया, पंडित जी थोड़ा सही कर लो, लगा रखो साइड में डाल। सर एक मिनट, हाथ लाइए सचिन। अरे सर हाथ सचिन, ओम सुश्री मोनिका यादव जी का नाम आया था और इनके द्वारा ये बताया गया कि मैं 11,000 पौधे का मैं लक्ष्य लेकर के काम कर रही हूँ। इस जो जनपद का लक्ष्य है 42,94,890 के वन विभाग को जो लक्ष्य आवंटित हुए थे सर शासन द्वारा, जिसको हम लोग कुछ विभागों को समावेश करते हुए जो अंतिम लक्ष्य जिला से हम लोग आवंटित कराए, उसमें सर बंद रहे इसको 21,85,600 के अगेंस्ट में 21,85,650 पौधों का रोपण इन दो दिवसों में 22 जुलाई 2023 और 15 अगस्त 2023 को किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारा सर 14,24,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। तीसरे नंबर पर सर है पर्यावरण विभाग जो 1,97,966 पौधों का रोपण कर रहा है सर। उसके बाद ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इससे हम सबको अपने को जोड़ना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हर घर में होना चाहिए। अब अगर भी हम हाथ उठवाएं कि तुलसी जिसकी हम लोग पूजा करते हैं,
तुलसी जिसके काढ़े बना के बीमारियां बहुत सी ठीक होती हैं, बुखार तक ठीक होता है, वो औषधि पौधा अभी हम हाथ उठवाएं तो शायद 10-20 फ्लोर टूट उठेंगे, वरना तुलसी तक का पौधा हमारे घर में नहीं। धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, हमारे फर्रुखाबाद जनपद के एसओसी जिलाध्यक्ष मंच फरासी, इस जिले के इस लोकसभा क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद श्री मुकेश जी राजपूत, इस क्षेत्र की जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री मोनिका जी, हमारे माननीय विधायक श्री सुशील कुमार शाक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रूपेश गुप्त जी, CDO श्री अरविंद जी, DFO श्री RS यादव जी, अपर आयुक्त कानपुर प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी, सम्मानित मंच उपस्थित सभी अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधुओं, सामने बैठी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज पूरा प्रदेश वृक्षारोपण के अभियान में जुटा है। हमारे नेता योगी जी ने पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का अहद लिया है, संकल्प लिया है और हम सबको ये कार्य सौंपा है। आखिर ये क्यों किया? मित्रों, जो नेता चुनाव से अगले चुनाव तक की सोचता है वह राजनीतिक व्यक्ति होता है, राजनीतिक नेता होता है। जो आने वाले दशक या डेढ़ दशक तक की सोचता है वह ऐसे कार्यक्रम योजना बनाता है, वह राजनेता कहा जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आने वाली नस्लों के लिए काम करता है वह राष्ट्र का नेता होता है। मेरा नेता योगी राष्ट्र का नेता है, मेरा नेता मोदी राष्ट्र का नेता है। मोदी जी और योगी जी का व्यक्तित्व कृतित्व राष्ट्र निर्माण के लिए, आने वाली नस्लों तक के लिए है। उसमें एक कार्यक्रम यह भी है वृक्षारोपण का। विकास की अंधी दौड़ में जो वृक्ष हटाए गए, नष्ट किए गए, उसके कुप्रभाव को हम सबने भोगा है, देखा भी है। अभी जो बाढ़ का सीन चल रहा है, कटान हो रहा है, वह भी यदि उस किनारे पर वृक्ष लगे होते तो वह नहीं होता। जनहानि और धनहानि।